करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर शायस्ता आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ? आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ दाल गोश्त, क्योंकि बच्चे दाल खाना पसंद नहीं करते, तो मैंने सोचा दाल खिलाना भी बहुत जरूरी है बच्चों को, जिस तरह सब्जी खिलाना जरूरी है, तो दाल गोश्त बनाना सिखाती हूँ आपको। लेकिन मैं इसमें चेंज क्या करूँगी, चने की दाल नहीं मसूर की दाल गोश्त सिखाऊंगी आपको, बेहद मजेदार और जल्दी बन जाएगी। उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो आपको तो वही बात कहूंगी कि यहाँ आना पड़ेगा। चलिए आइए जी जनाब, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें मसूर की दाल, ये आधा किलो से थोड़ी कम है, मैंने इसको एक घंटा पहले भिगो दिया था ना, इसलिए ये देखो फूल के ज्यादा हो गई है। ये गोश्त एक किलो से थोड़ा कम है, हड्डी वाला लिया है मैंने, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में तो जायका ही अलग होता है ना, इसके जब रोगन निकलता है तो। प्याज चार अदद, इसमें से मैं थोड़े से प्याज जो बघार के लिए निकाल लूंगी और थोड़ा सा के गोश्त के साथ फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, चार अदद टमाटर है, गरम मसाला पाउडर जो मैंने घर पे तैयार किया है, जीरा भूनकर इसको मैंने कूट लिया है, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई धनिया, नमक हसबे जायका, और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसको मैं प्याज के साथ गोश्त के साथ उसको फ्राई करूंगी, ताकि गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए और जायका दोबारा हो जाए। ऊपर से डालूंगी जब तैयार हो जाएगा, पुदीना डालूंगी इसमें, हरा धनिया नहीं डालूंगी मैं, और थोड़ी सी हरी मिर्ची अपने जायके के लिए, और ये पैन है इसमें मैं प्याज बघार के लिए थोड़ी सी निकाल लूंगी। ये चार प्याज में से समझ लें मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल लिया है, एक प्याज निकाला होगा और तीन प्याज जो है वो गोश्त में डालूंगी। चले अब पकाने का अमल शुरू करते हैं, चले फिर चूल्हे के पास चलते हैं। तेल थोड़ा कम डालूंगी अभी, क्योंकि बघार में भी तेल डालना है ना मुझे, ऊपर से जरा रौनक आएगी ना इसलिए। तो अभी मैं प्याज को ब्राउन करती हूँ, गोश्त वगैरह डालती हूँ, चलिए आ रही है चूल्हे के पास चलते हैं। ये देखें मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा बघार में भी डालूंगी। अब मैं ये जितने खड़े गर्म मसाले थे ये सारे डाल दिए मैंने इसके अंदर, थोड़े से मसाले की खुशबू आ जाती है, मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये तीन अदर समझ लें प्याज है, एक अदर बघार के लिए निकाल लिया ना मैंने, तीन अदर प्याज डाल दिया मैंने। देखें प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, ये बिल्कुल सफेद प्याज थी ना, इससे थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, 10 मिनट लगा मुझे, लेकिन पूरी ब्राउन नहीं करनी है इसको, थोड़ा सा इसको रहने देना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी गोश्त, ताकि प्याज के साथ ये गोश्त पक जाए, एक दो बस हाथ उसको मैं चलाऊंगी, ताकि जो प्याज की खुशबू है, गरम मसाले की खुशबू है, सब गोश्त में आए। ये देखें 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई किया गोश्त को, गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें टमाटर, चार अदरक जो मैंने डाला था, लहसुन अदरक सफेद 2 चम्मच समझ लें, भर कर मैंने यूज किया, थोड़ा सा इसको मैं चला लूँ ताकि लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसमें तमाम मसाले डाल के पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ूंगी। किसी भी धनिया एक भर के चम्मच डाला है, बड़ा बड़ा समझा है, आपका ख्याल रखिएगा। किसी भी लाल मिर्च मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। हल्दी 1 चम्मच, नमक हल्के जायका, अभी दाल भी डालना है ना मुझे, कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी गरम मसाला और जो जीरा है वो मैं आखिर में डालूंगी, अभी जब दाल पक जाएगी जब पक, अब इन सबको डाल के थोड़ा सा हाथ, 1-2 हाथ मैं इसको चलाऊंगी और थोड़ा पानी डाल के गोश्त गल जाने तक इसको पकाऊंगी। ठीक, आप देख लीजिएगा आपका गोश्त कौन सा है, आप चिकन में भी बना सकती हैं इसको, बीफ में भी बना सकती हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, और गोश्त कौन सा है
ये भी देख लीजिएगा उसी हिसाब से पानी वगैरह डालिएगा उसके अंदर। मेरा गोश्त है बछिए का है तो जल्दी गल जाता है, 20-25 मिनट में गल जाएगा इंशाल्लाह। मैं तो कुकर में बना रही हूँ आज। इसके बाद मैं सटका लगा के प्रेशर लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब मैं मिलती हूँ आपको 20 से 25 मिनट के बाद। देखें 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे खोलती हूँ, देखती हूँ गोश्त गल गया है। हाँ, ये हड्डी से अलग हो रहा है, इसका मतलब है गल गया है, सही है। अब मैं इसके अंदर दाल डालूंगी क्योंकि अभी हमें दाल भी गलाना है ना। अब मैं इसके अंदर दाल डाल के गलाऊंगी, पानी भी डाल देती हूँ दाल के साथ ही अच्छे तरीके से धोके। अब मुझे इसको दाल के गलने के लिए मैं इसको ढक के छोड़ूंगी थोड़ी देर ताकि ये दाल गल जाए। पानी उतना ही डालिएगा जितना आपको जरूरत हो ताकि ऊपर से डालना ना पड़े और इसी में पक के इसी पानी में ये तैयार हो जाए। अब दाल डालने के बाद भी फिर मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी ताकि अब दाल गल जाए। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए अब 10 मिनट हो गए, अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ दाल को। ये देखो दाल मेरी गल चुकी है। अब बाकी जो मसाले थे वो अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी। इसमें बघार के लिए मैंने प्याज भी चढ़ा दिया ब्राउन करने के लिए, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा अगर पानी कम ज़्यादा कुछ करना है आपको तो आप इसमें कर सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर, ये बहुत क्योंकि घर का पिसा हुआ है तो काफ़ी तेज़ खुशबू है इसकी, तो मैं ये थोड़ा सा डालूंगी बस, काफ़ी होगा। जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा ताकि जायका भी अच्छा हो, खुशबू भी अच्छी हो। पुदीना थोड़ा मैं भी डाल रही हूँ, थोड़ा मैं सुखाऊंगी। हरी मिर्च ये भी डाल दूंगी। इन तमाम चीज़ों को डाल के 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूंगी ताकि इन सब की खुशबू दाल के अंदर और गोश्त के अंदर आ जाए। फिर मैं इसको डिश आउट करके बघार डाल के आपको दिखाती हूँ। फाइनली शक्ल मैं इसकी आपको बघार के ढक्कन रख के सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ ताकि हरी मिर्च गल जाए और बाकी तमाम चीज़ों की खुशबू इसके अंदर आ जाए। जी जनाब, हमारी मज़ेदार दाल गोश्त तैयार। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसे हलीम की तरह लग रहा है ना, और ये बहुत मज़े का है। इसको तो खाली खाली आप चम्मच से भी इंजॉय कर सकते हैं इसको, और जो चटनी मैंने आपको बनाना सिखाया था उसके साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। मैं इसको चावल से खाऊंगी आज। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। हरी मिर्च मैंने इसे डाला है, किसी को कम ज़्यादा अगर करना हो मसाला तो अपने हिसाब से वो खा सकता है, इसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें बघार डालती हूँ, थोड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा मेरी दाल बची हुई है मैं इसमें डाल, थोड़ा मैं बचा रही हूँ। मजेदार सी दाल गोश्त तैयार। जबरदस्त दाल गोश्त तैयार है, मसूर की दाल और गोश्त। इसको आप चावल और रोटी दोनों से खा सकते हैं, और जो चटनी मैंने आपको बनाना सिखाया था उसके साथ तो बस मत पूछे, बहुत ही मजे की लगी। अब इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगी कि मुझे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसको बनाइएगा जरूर, और बना के मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बना के, आपने एंजॉय किया या नहीं ये भी बताइएगा मुझे। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, शास्त्र सलीम को अल्लाह हाफिज़।